से एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेना एक बार फिर दुभर हो गया है। राजधानी और आसपास के शहरों में बीते दो दिनों से हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा प्रदूषण इतना ज्यादा है कि आंखों में जलन हो रही है। अस्पतालों में सांस से जुड़ी शिकायत वाले मरीज एक बार फिर से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। चिंता की बात तो ये है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण की दो बड़ी वजह हैं। पहला, तापमान का गिरना जिसकी वजह से धूप नहीं निकल रही है, और दूसरा, हवा की रफ्तार का कम होना। परेशानी की बात तो ये है कि अगले 3-4 दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि पिछले 5 साल में सिर्फ 61 दिन ऐसे थे जब दिल्ली की हवा सांस लेने लायक थी। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 1825 दिन में सिर्फ 61 दिन ऐसे थे जब दिल्ली एनसीआर के लोगों को साफ हवा मिली। इसके साथ ही आपको एक बड़ी जानकारी दे दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ऑड इवन को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि प्रदूषण का हाल क्या है, इसका जायजा लिया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर ऑड इवन बढ़ाया जा सकता है। 10 अक्टूबर तक, आप सब लोगों के लिए भी जानकारी के लिए बता दूं, 10 अक्टूबर तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में था, और 10 अक्टूबर तक नासा सैटेलाइट की इमेजेस दिखाती हैं कि कोई पराली नहीं जल रही थी। 10 अक्टूबर से अचानक पराली जलने लगी, सैटेलाइट की इमेजेस के अंदर सारा रेड पोर्शन आ रहा है, और 10 अक्टूबर से दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो सीवियर कैटेगरी, इमरजेंसी कैटेगरी में पहुंच गया। अब दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है? दिल्ली के लोग क्यों सफ़र करें? दिल्ली के लोगों ने मेहनत करके पूरे साल अपना पोल्यूशन कम किया है। हम लोगों ने 25% पूरा साल अपना पोल्यूशन कम किया है। वी हैव कम इन गुड सेटिस्फैक्ट्री और मॉडरेट कैटेगरी। लेकिन इस दौरान आसपास पंजाब से और हरियाणा से जो पराली का धुआं आ रहा है, 3-4 दिन बीच में कम हुआ बिकॉज वहां बारिश हो गई थी। उधर बारिश हुई तो उन्होंने पराली जलानी बंद कर दी, दिल्ली का धुआं कम हो गया। अब फिर से बता रहे हैं, आज आप ही लोग बता रहे हैं, आप ही के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि पराली का धुआं बहुत बढ़ गया। तो मुझे बड़ा दुख है कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश था, उस दिन सुप्रीम कोर्ट कितना नाराज हुआ, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे। तो दिल्ली के लोग सफर कर रहे हैं, मैं भी दिल्ली के लोगों की सेहत को लेकर बहुत